इंदौरियंस की जुबां पर अब टी विला कैफे के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चढ़ने वाला है। जी हाँ, अपने लजीज व्यंजनों और कॉफी की 65 तरह की वैरायटी से देश भर में धूम मचा देने वाले टी विला कैफे ने अब इंदौर में कदम रखा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर के खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि स्वच्छता में नंबर वन इस शहर में अब अंतरराष्ट्रीय कैफे टी विला कैफे का साउथ तुकोगंज स्थित फॉर्चून एम्बियंस बिल्डिंग में शुभारंभ हो गया। बता दें कि टी विला कैफे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लजीज व्यंजनों और कॉफी की 65 तरह की किस्मों के जरिए धूम मचा चुका है। इस कैफे का उद्घाटन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने किया। कैफे का उद्घाटन करने आए मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ये इंदौर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कैफे है जो कि एमपी के इंदौर में आया है। ये एक अच्छी बात है इंदौर के लिए। जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नगर इंदौर में आती है और विशेषकर हमारी बेटी लाए, ये गौरव की। इसके बाद ये बॉम्बे खोलेंगे, मतलब हर देश में ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मेरी बेटी को, मेरे कंवर साहब को, क्योंकि शुरुआत एक पवित्र मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई है, ये धीरे धीरे राष्ट्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, यही एक अच्छी बात है इंदौर के लिए। एक सौगात है तरुण के लिए, युवाओं के लिए, बेटी के लिए, और एक स्थान चिन्हित है और उसका ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय है। इसलिए मैं बधाई शुभकामना देता हूँ कि इंदौर को एक, क्योंकि इंदौर फेमस है देश में खाने में, नमकीन में, मिठाई में, हर चीज़ में अपना एक स्थान देश में रखता है। कैफे को इंदौर में लाने वाली परियन हॉस्पिटल कंपनी के डॉक्टर्स जैन और परिधि थावर ने बताया कि कैफे का डिज़ाइन मुंबई की एक फेमस कंपनी ने किया है। भारत सहित कई देशों में हमारा टी विला कैफे है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हमारा ये पहला कैफे है। वहीं अशोक गोयल ने बताया कि बेटी ने एमपी का नाम रोशन किया है। इनका ग्रुप इंदौर के लोगों को कुछ देना चाहता है, इसलिए इन्होंने यहाँ कदम रखा है। इतना हायर एजुकेशन मैनेजमेंट में लिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के रूप में इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोची। कभी आज चाहते तो कोई भी जॉब इनके लिए अवेलेबल है, लेकिन ये जॉब के बजाय इस शहर को, देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ चीज़ देना चाहते हैं, इंदौर को देना चाहते हैं, इसलिए ये इंदौर आए। ये चाहते तो बम्बई इनको मिल रहा था, पुणे मिल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश में इन्होंने इंदौर को चुना, क्योंकि मेरी बेटियाँ इंदौर से। हाँ जी, सो ये टी विला कैफ़े मुंबई की फ्रेंचाइजी है। ये मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, सिंगापुर में और दुबई में भी अब आने वाली है। तो ये एमपी की पहली है जो हम इंदौर में लेकर आए, बिकॉज इंदौर एज यू ऑल नो बहुत फूडी सिटी है, तो इससे बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता था। बिकॉज हमारे पास बहुत टाइप्स की चाय है, कॉफ़ी है, इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल, इंडियन एंड लॉट्स ऑफ कुजींस अपने इंदौरी टेस्ट के साथ। हम यही इंटरनेशनल जो चीज़ है हमें इंदौर में लाना चाहते हैं। इंदौर भी जैसे मिनी मुंबई कहा जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा और बड़ा सिटी हो रहा है। यहाँ पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं नई चीज़ों को, नई ब्रांड्स को, तो इसीलिए हमने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट हम अभी इंदौर में लेके आए। इंदौर अभी ये चीज़ के लिए रेडी हो चुका है, ये चीज़ अभी इंदौर में चल सकती है।
इसकी खासियत इसका मेन्यू है, इसका मतलब यहाँ एक छोटे से छोटा बच्चा और एक बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति पेट भर के जा सकता, जा सकता है। मतलब कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे यहाँ पे खाने के लिए दो ही ऑप्शन है, क्या खाएं, पेट नहीं भरा। एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को सारी वैरायटी के ऑप्शंस है, सब पेट भर के खाना खा के जा सकते हैं। हमारे पास मोर देन 70 वैरायटीज ऑफ टी है, बाद में हमारे पास मिल्क शेक्स है, नटेला शेक्स है, बाद में मॉकटेल्स है, फिर हमारे पास खाना है, मतलब आप जो खाना, मतलब ऐसी ऐसी डिशेज़ है जो आपने सुनी भी नहीं होगी, वैसी टाइप की सारी फॉरेन की डिशेज़ है, सारी कॉन्टिनेंटल हो गया, थाई हो गया, फिर लेबनीज़ हो गया, मैक्सिकन हो गया, और इंडियन भी है। मतलब ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको कम से कम 10 बार तो आना पड़ेगा सारी यहाँ चीज़ें एक एक बार चखने के लिए। कुल मिलाकर अब इंदौरियंस को भारतीय भोजन के साथ साथ यूरोपियन, मेडिटेरियन, इटालियन, चीनी, लेबनानी जैसे कई व्यंजनों की श्रृंखला मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबी न्यूज़, इंदौर।